कोरोना महासंकट के बीच ताइवान दक्षिणी चीन सागर में चीन और अमेरिका के बीच तनाव का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। चीन की सेना ने ताइवान पर कब्जे के लिए महाभ्यास शुरू कर दिया है जो अगले 70 दिनों तक चलता रहेगा। चीन यह अभ्यास बोई सागर में कर रहा है और इसको देखते हुए उसने पूरे समुद्री इलाके के एक बड़े हिस्से को 70 दिनों तक के लिए बंद कर दिया है। चीन के सैन्य अभ्यास से ताइवान की टेंशन काफी बढ़ गई है। इसी बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपने युद्धक जहाजों को भेज दिया है। चीन की सेना ने गत गुरुवार से 31 जुलाई तक के लिए युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। 70 दिनों तक चलने वाले इस महाभ्यास के दौरान चीन की सेना लाइव फायर ड्रिल करेगी। इसके अलावा जमीन और पानी दोनों जगह पर सेना को लैंड कराने का अभ्यास किया जाएगा। माना जाता है कि चीन की सेना अगले 70 दिनों तक ताइवान पर कब्जे करने का अभ्यास करने जा रही है। बुहाई समुद्र ताइवान पर कब्जे का अभ्यास करने के लिए सबसे आदर्श जगह माना जाता है। यहाँ की समुद्री परिस्थितियां लगभग वैसी ही है जैसी ताइवान की खाड़ी में है। बताया जाता है कि चीनी सेना द्वीपों पर कब्जा करने, वहां सैन्य चौकियां स्थापित करने और एंटी एयर और एंटी मिसाइल अभ्यास करेगी। चीन की सेना ने बुहाई सागर के 2000 किलोमीटर के इलाके में किसी के भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। माना जा रहा है कि 20 मई को ताइवान की राष्ट्रपति साइंग वेन भाषण देने जा रही है और चीन के इस अभ्यास को उनकी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। चीन को डर सता रहा है कि ताइवान की राष्ट्रपति पूर्ण आजादी का ऐलान कर सकती है। ताइवान की राष्ट्रपति साई वर्ष 2016 में जब से सत्ता में आई है तब से उन्होंने वन चाइना पॉलिसी का विरोध किया है। इसके जवाब में चीन ने सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दी है और यहाँ तक कि ताइवान के समुद्र और आकाश में अपने जहाज और फाइटर जेट भेजता रहता है। गुरुवार को शुरू हुए सैन्य अभ्यास में चीन अपने विनाश फैलाने वाले जंगी जहाजों और एयरक्राफ्ट को शामिल करेगा या नहीं, यह अभी देखना है। चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए विशेष जहाज भी बनाए हैं। अभी पिछले दिनों ही चीनी नेवी की ताकत का प्रतीक एयरक्राफ्ट कैरियर लियानिंग ताइवान के पास से गुजरा था। कहा जा रहा है कि इस महाभ्यास का ताइवान केवल एक हिस्सा है। युद्धाभ्यास के दौरान बीजिंग पर अचानक हवाई और मिसाइल हमले से बचाव को भी परखा जाएगा। चीन ताइवान के उत्तरी इलाके में होने वाले अभ्यास के साथ दक्षिण इलाके में स्थित प्रताशिया दोंगासा द्वीप समूह के पास भी अभ्यास करने जा रहा है। इस द्वीप पर ताइवान का कब्जा है। इसी बीच ताइवान ने घोषणा की है कि वह जून महीने में फायरिंग का अभ्यास करेगा। ताइवान ने कहा है कि इस अभ्यास के दौरान दोंगासा द्वीप समूह पर मोटर और मशीन गन पोजिशन की परख की जाएगी। ताइवान ने चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए दोंगासा द्वीप समूह पर कोस्ट गार्ड की 2 स्क्वाड्रन तैनात कर दी है। इसके अलावा 20/40/81 और 120 mm के मोटर भी द्वीप समूह पर तैनात किए गए हैं। चीन की नापाक हरकतों को देखते हुए अमेरिका ने भी इलाके में अपने 3 युद्धपोत भेजे हैं। यही नहीं, अमेरिका ने प्रशांत महासागर में अपने कई एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेजे हैं। अमेरिका के इस कदम के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। माना जा रहा है कि चीन अब ताइवान पर कब्जे के साथ साथ साउथ चाइना सी से पेट्रोकेमिकल्स व अन्य मिनरल निकालना चाहता है। उसकी इलाके में एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी बनाने की योजना है। विशेषज्ञों का मानना है कि साउथ चाइना सी पर युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं जिस युद्ध में चीन, अमेरिका और रूस भी शामिल हो सकते हैं। उधर चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग ने कहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से युद्ध के हालात पैदा किए गए तो पेचिंग हर कीमत पर लड़ने को तैयार है।